गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिब केज के बारे में। ये जो फ्रंट में सामने रखा हुआ है ये एक रिब केज का मॉडल है और एक हमारी रिब्स है। इस रिब्स के एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया एक्जियल बोन्स, जिसमें 80 बोन्स आती हैं। उनमें हमारे स्केलेटल सिस्टम का क्रेनियम बोन हमने पढ़ा है, फेसियल बोन पढ़ लिया एंड वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लिया। नेक्स्ट आज की क्लास में हम रिब केज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो गोल्डन कलर आप बगल में देख पा रहे हैं, तो ये गोल्डन कलर, ये पूरा एक्सियल बोन 80 बोन्स के अंदर में आता है। उनमें से ये रिब केज भी इंक्लूडेड हैं। आज हम रिब केज के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिब केज होता क्या है? द थोरैक्स यानी थोरैसिक केज, ये जो सामने फ्रंट में है इसको थोरैसिक केज बोलते हैं, इज फॉर्म्ड बाय द स्टर्नम एंटीरियरली। ये जो आप फ्रंट में ये सामने देख रहे हैं, ये जो रिब केज बनता है, ये पेंसिल से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जो रिब केज बनता है तो ये फॉर्म कैसे होता है? एंटीरियर यानी फ्रंट की ओर पे। फ्रंट में सबसे ये कौन सी हड्डी होती है? स्टर्नम बोन्स। ये यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक ये स्टर्नम बोन्स होती हैं एंड 12 पेयर्स ऑफ रिब। ये जो साइड में देख पा रहे हैं ये, तो ये 12 पेयर होती हैं। 12 पेयर में से आपकी फर्स्ट 5 पेयर्स जो होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये फर्स्ट 5 पेयर्स ये डायरेक्ट हमारे स्टर्नम से अटैच होती हैं। आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टर्नम से अटैच है। तो ये डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होती हैं, इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो 5 पेयर्स होती हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो नेक्स्ट 5 पेयर्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ये नेक्स्ट 5 पेयर्स जो होती हैं ये फॉल्स रिब कहलाती हैं। ये इनडायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होती हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के ये डायरेक्ट नहीं अटैच हैं लेकिन इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं। तो ये हो गई हमारी 10 पेयर्स। एंड 2 पेयर्स और भी होती हैं जो कि फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। तो फ्लोटिंग रिब्स ये यहाँ पे सामने नहीं दिख रहे हैं, ये जस्ट बिहाइंड पे होती हैं, पीछे होती हैं। ये हमारे बैकबोन से मिल करके आगे ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती, वो 2 पेयर्स होती हैं जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉर्मिंग द लैटरल बोनी केज एंड 12 थोरैसिक वर्टिब्रा। तो इसके जस्ट पीछे पे 12 थोरैसिक वर्टिब्रा भी होता है जो कि ये वर्टिब्रा से अटैच होता है। हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये एक रिब्स हो गई, तो ये रिब्स हमारे यहाँ से भी ऐसे जुड़ेगी और साथ में ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये, तो ये हमारे थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ता है। तो पूरा मिल करके एक थोरैसिक केज बनाते हैं जिसको हम थोरैसिक केज बोलते हैं। ये आप पिक में देखिए, ये क्लाविकल बोन्स, ये इस टाइप की एक क्लाविकल बोन होती हैं जिसको कॉलर बोन भी बोलते हैं। तो ये हमारे अटैच होती है स्टर्नम के जस्ट ऊपरी पोर्शन से, यहाँ से। तो एक ये हमारी हो गई क्लाविकल बोन्स। नेक्स्ट होता है मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये फ्रंट में, ये स्टर्नम का मैनुब्रियम पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी रिब्स हैं एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये होती है जो स्टर्नम की बॉडी कहलाती है। नेक्स्ट है जिफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। ये जो लास्ट में देख रहे हैं ये थोड़ा सा डिवाइडेड भी होता है हल्का सा, तो ये हमारा बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम। एंड इसके अलावा ये जितना भी आप यहाँ से यहाँ तक जितना भी देख रहे हैं ये हमारा कोस्टल कार्टिलेज होते हैं। ये कोस्टल कार्टिलेज हो गए, फिर कोस्टल कार्टिलेज के जस्ट बाद से रिब्स अटैच होते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि ये हमारी थोरैसिक केज हो गया, यहाँ से हमारी रिब्स डायरेक्ट अटैच होना स्टार्ट होती हैं। तो ये जितना भी आप इस कलर में देख रहे हैं तो ये हमारे होते हैं कोस्टल कार्टिलेजेस।
और आप पिक में देखिए, पिक में रिब 11 और रिब 12 जो मैंने अभी बताया था वो फ्लोटिंग रिब्स इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टर्नम। स्टर्नम यानी इसको ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है। दिस फ्लैट बोन कैन बी फेल्ट जस्ट अंडर द स्किन। तो ये बोन जो आप देख पा रहे हैं ये स्टर्नम, ये बोन हमारे जस्ट अंडर द स्किन इसको फेल्ट भी कर सकते हैं, यानी थोरैक्स में सबसे ऊपर वाले पोर्शन को जैसे स्किन के अंदर आप देखेंगे तो इसको फेल्ट भी कर सकते हैं। इन द मिडिल ऑफ द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, यानी फ्रंट ऑफ द चेस्ट में इसको हम फेल्ट कर सकते हैं। हम एक एक करके इस स्टर्नम बोन्स के रीजन्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। फर्स्ट है आपका जुगलर या फिर सुप्रा स्टर्नल नोच, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं जुगलर या फिर सुप्रा स्टर्नल नोच, ये वाला पोर्शन सुप्रा स्टर्नल नोच कहलाता है। नेक्स्ट है क्लाविकुलर नोच, ये यहाँ पे क्लाविकल हड्डी जुड़ती है, क्लाविकल दो कॉलर बोन्स होती हैं तो ये दोनों बोन दोनों साइड पे पाई जाती हैं, तो एक एक क्लाविकुलर नोच इधर होती है, दूसरी क्लाविकुलर नोच यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे हमारी क्लाविकल बोन्स जुड़ती हैं। नेक्स्ट ये मैनुब्रियम पार्ट होता है, ये अभी मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है इस्टर्नल एंगल, ये जो आप छोटा सा खांस देख रहे हैं ये होता है इस्टर्नल एंगल। नेक्स्ट हमारी बॉडी, ये बीच की जो पोर्शन होती है ये बॉडी कहलाती है। नेक्स्ट जिफॉइड प्रोसेस, मैंने अभी थोड़ा दिखा बताया भी था कि ये थोड़ा सा हल्का सा डिवाइडेड भी रहता है ये यहाँ पे, तो इसको जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं। और रिब अटैचमेंट के लिए इनमें प्रॉपर स्पेस भी होता है, जैसे कि ये रिब 1, रिब 2, रिब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 पेयर्स होती हैं जो इन ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे स्टर्नम से अटैच होती हैं। इसके अलावा 2 पेयर्स और भी होती हैं जिनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, वो बिहाइंड द स्टर्नम पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिब्स के बारे में। द 12 पेयर ऑफ रिब्स फॉर्म द लैटरल वॉल ऑफ द थोरेसिक केज, यानी ये जो एक बोन हम दिखा रहे हैं ऐसी 12 पेयर रिब्स होती हैं जो कि लैटरल वॉल ऑफ द थोरेसिक केज को बनाती हैं। दे आर इलोंगेटेड कर्व बोन, ये आप देख पा रहे हैं ये ऐसे मुड़ी हुई हड्डियां हैं जिनको कर्व बोन भी बोलते हैं। दैट आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली, यानी पोस्टीरियर यानी पीछे साइड पे, ये जो आप देख पा रहे हैं तो ये पोस्टीरियर कहाँ पे जुड़ती है, वर्टिब्रल कॉलम पे। एंटीरियरली द फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, यानी जो फर्स्ट 7 पेयर्स होते हैं वो हमारे डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं एंड आर नोन एज द ट्रू रिब्स, और इनको हम ट्रू रिब्स भी बोलते हैं। द नेक्स्ट 3 पेयर्स, यानी जो अगली 3 पेयर्स होते हैं आर्टिकुलेट ओनली इनडायरेक्टली, जो अगली 3 पेयर्स होती हैं तो वो इनडायरेक्टली आर्टिकुलेट होती हैं हमारे स्टर्नम से। रिफर टू एज द लोएस्ट 2 पार्ट ऑफ द रिब्स रिफर टू एज फ्लोटिंग रिब्स, तो यानी जो लास्ट में जो 2 पेयर्स होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। डू नॉट जॉइन द स्टर्नम एट ऑल, जो कि स्टर्नम से डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होती। देयर इंटीरियर टिप्स बींग फ्री, जो यानी अगला हिस्सा इनका इंटीरियर टिप होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। अब हम एक रिब्स के बारे में जानेंगे उसके क्या क्या कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप ये देखिए ये एक रिब्स हैं, इसकी ये जो एंगल है ये नेक कहलाता है। नेक्स्ट है हेड आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रल प्रोसेस, ये एक हेड है जो कि वर्टिब्रल बॉडीज से आर्टिकुलेट होता है, ये वर्टिब्रल बॉडी से आर्टिकुलेट होता है। फीसेट ऑफ ट्यूबरकल दैट आर्टिकुलेट विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक फीसेट्स होता है जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा, जो भी मैंने कल बताया था तो उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से ये जुड़ता है।
नेक्स्ट ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे, ये ट्यूबरकल कहलाता है, और ये जो कर्व शेप में देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये एंगल कहलाता है। नेक्स्ट है ये, आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये होता है कोस्टल ग्रूव और ये शाफ्ट होता है। नेक्स्ट है इन्फीरियर बॉर्डर, ये थोड़ा सा यहाँ पे कर्व दिख रहा होगा यहाँ पे, ये होता है इन्फीरियर बॉर्डर। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट में, यहाँ देखिए डिप्रेशन फॉर कोस्टल कार्टिलेज, यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज में जुड़ेगा और ये लास्ट में इधर वर्टिब्रा से जुड़ जाता है। तो ये बीच में जो स्पेस बनता है इसमें लंग्स होते हैं, तो ये जो थोरेसिक केज होता है वो लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ईच रिब्स फॉर्म अप टू 3 जॉइंट्स विथ द वर्टिब्रल कॉलम, यानी प्रत्येक जो रिब्स होती हैं, यानी प्रत्येक हड्डी जो होती है, रिब्स होती है, तो ये 3 प्रकार के जॉइंट बनाती हैं वर्टिब्रा कॉलम के साथ। 2 ऑफ दीज जॉइंट्स आर फॉर्म बिटवीन फीसेस ऑन द हेड ऑफ द रिब एंड फीसेस ऑन द बॉडी ऑफ द 2 वर्टिब्रा, यहाँ पे ये जो मैंने फीसेट्स बताए थे ये वाला और वर्टिब्रा बॉडी के साथ जुड़ते हैं ये, द वन अबव द रिब्स एंड वन बिलो, यहाँ पे एक अबव में जुड़ेगा और एक बिलो पे, तो ये पूरा रिब केज बनता है। सो यहाँ तक रिब की क्लास अभी ख़त्म होती है। कल से हम अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, यानी हम अपेंडिकुलर सिस्टम जिसमें 126 बोन्स आती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स क्लास।